नमस्कार दोस्तों, आप हमारी इस वीडियो में देखेंगे ये जाली वाली नेट वाली डिज़ाइन कैसे बनाते हैं। ये देखिए, इस तरह से ये राइट साइड से इस तरह से दिखती है और रॉन्ग साइड से अगर हम इसको टर्न करें तो ये इस तरह से दिखाई देती है। और ये बनानी भी बहुत इजी है। इसको अगर आप पूरे स्वेटर में ना बनाएं तो सिर्फ स्लीव इसकी बनाएं। आपने शायद देखा होगा, एक क्रीम कलर का ब्लाउज़ का वीडियो मैंने डाल रखा है, उसमें इसकी स्लीव मैंने इसी तरह से बनाई हुई है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसी से मिलती जुलती है, सेम ही है ही नहीं है, ये देखिए। तो इसको बनाने के लिए इस डिज़ाइन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये डिज़ाइन जो है टू के मल्टीपल फंदों मैंने डाले हुए हैं यहाँ पे। यहाँ कुल 20 फंदे मैंने डाले हैं। एक फंदा स्टार्टिंग का, एक फंदा एंड का है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। टोटल 4 सिलाइयों की डिज़ाइन है। ये पहला फंदा मेरा देखिए स्लिप हो गया है, तो इसको मैं उठा लूँगी। और पहला फंदा ये उठा लिया, तो बिना बुने ही रखना है। और फिर ये दो फंदे हमें एक साथ दो का एक सीधा बना देना है। ये देखिए, दो फंदे एक साथ सीधे बना देने हैं, ठीक है। फिर ऊन को हम आगे करेंगे और फिर दो का एक फंदा सीधा बना देंगे, ये ऐसे। फिर ऊन आगे करेंगे, पूरी टोटल सिलाइयों में यही हमें रिपीट करना है। ये देखिए, ऊन को आगे कर लिया तो यहाँ पे एक फंदा बढ़ जाएगा जिसकी की जाली बन जाएगी, और दो फंदे एक साथ बुनेंगे सीधा। ऊन आगे करेंगे और इन दो फंदों को हम लेंगे और दो फंदों को एक साथ सीधा बना देंगे। दो का एक, ऊन आगे, बस ध्यान रखना है कि हमारे फंदे स्लिप ना हो जाएं। ये दो का एक, ऊन आगे, बस ध्यान रखना है कि हमने 20 स्टिचेस से स्टार्ट किया था तो हमारी 20 स्टिचेस हों। अगर हम कहीं फंदा बढ़ाना भूल जाएंगे तो हमारा पैटर्न बिगड़ जाएगा। फिर यहाँ देखिए, ये उनको हमने आगे कर लिया और एक लास्ट वाला फंदा सीधा बना दिया। ये हमारी राइट साइड की फर्स्ट रो बन के कम्प्लीट हो गई। ये जाली बन के बहुत ही प्यारी लगती है, हल्की ठंड के लिए बनाया जा सकता है। और उल्टी सिलाई हमारी जो सेकेंड रो होगी वो टोटल पूरी हम उल्टी बनाएंगे, जैसे नॉर्मल उल्टी बनते हैं। ये देखिए, पहला फंदा तो हम आप जैसा करते हैं वैसा रख सकते हैं, और जो ये बड़ा फंदा है इसे भी उल्टा बनाएंगे। और ये देखिए, दो, ये सारे फंदे जैसे नॉर्मल उल्टे बनाते हैं इस तरह, ये ऐसे और ये ऐसे। पूरी सिलाई हम टोटल रॉन्ग साइड की पर्ल उल्टी बुन लेंगे। ये देखिए, पूरी हमने उल्टी इस तरह से बुन ली। अब हम सीधी तरफ आ जाएंगे जो कि हमारी राइट साइड होगी, थर्ड रो होगी। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करेंगे, पहला फंदा तो हमेशा हम उतार ही लेंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पे जो ये बड़ा वाला फंदा था, इससे पहली वाली सिलाई में हमने दो फंदे एक साथ सीधे बनाए थे, तो अब ये थर्ड रो में हम ऊन आगे करेंगे और ये दो फंदे एक साथ सीधे बना देंगे, ये ऐसे। ऊन को हमने अपनी तरफ कर लिया तो यहाँ जाली पड़ जाएगी, और ये दो फंदे जो हैं एक साथ सिलाई पे लेंगे और इनको एक साथ उल्टा बुन देंगे। फिर उनको आगे करेंगे और ये दो फंदे एक साथ बुन देंगे इस तरह से, ये ऐसे। ऊन को आगे करेंगे और ये दो फंदे एक साथ सीधे, ऊन को ऐसे आगे करेंगे और ये दो फंदे एक साथ सीधे बना देंगे। लेकिन श्योर कर लेंगे कि हमारे दोनों फंदे एक सिलाई पे एक साथ आ गए हैं, ये ऐसे और ये ऐसे। ऊन आगे और ये एक साथ ऐसे, ये ऊन आगे किया और इन दो फंदों को ये देखिए एक साथ लिया सिलाई पे और दो को एक सीधा। ऊन आगे किया और दो फंदे एक साथ सीधे, ऊन आगे करेंगे और ये दो फंदे एक साथ सीधे कर लेंगे।
अब हम यहाँ पे एक बार काउंट जरूर कर लेंगे कि हमारे 20 स्टिचेज हैं या नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। देखिए यहाँ पे पहली सिलाई में हमने यहाँ पे ऊन को आगे किया था लास्ट में, यहाँ पे नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे हमने यहाँ पे यार्न ओवर कर लिया था। तो इस तरह से हमारी ये जाली की डिज़ाइन थर्ड रो पूरी हो गई और उल्टी सिलाई सारी उल्टी सिलाइयाँ पूरी उल्टी बनाई जाएंगी। तो इस तरह से हमारी फोर्थ रो की डिज़ाइन बनके कंप्लीट हो गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आप अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में इसको ज़रूर शेयर करेंगे। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस किया कीजिए, जिससे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और फ्रेंड्स, अगर आप बहुत से लोगों ने बोला था कि हम स्टार्टिंग से निटिंग सीखना चाहते हैं, तो अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप, मैं लिंक नीचे दे दूंगी, ग्राफी का लिंक है जहां पे आप स्टार्टिंग से बेसिक से बिल्कुल फंदे डालने, ऊन की हिस्ट्री, सिलाई की हिस्ट्री और भी जितनी भी बेसिक और बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आप वहाँ पर हम सीख सकते हैं। तो आप उसको भी प्लीज़ देखिएगा और आप अगर लेना चाहते हैं तो वहाँ से आप उसका लिंक देख के ले सकते हैं। और ये देखिए, जो अभी हमने डिज़ाइन बनाई है उसका मैंने ये सिंबल बनाया हुआ है, जिसका ये ब्लैंक वाला जो खाने हैं, जैसे देखिए यहाँ पे ये टोटल 6 सलाइयों पे मैंने बनाया है। जो ये वाला सिंबल है इसका मतलब होता है दो फंदे एक साथ बुनेंगे। जो ये जीरो बना है इसका मतलब होता है यार्न ओवर। और जो देखिए ये वाली लाइन पूरी ब्लैंक है, मतलब उल्टी। तो ये आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी, मैंने इसको सिंबलाइज करके आपको बताया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंजॉय नीटिंग। थैंक यू।